आज की इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट भी होते रहते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन पहला देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, 10% और 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा कितना होगा, आपको ये बताना। इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर ये और ये दोनों छूट मिला दिए तो किस एक छूट के बराबर होगा, आपको ये बताना है। चार ऑप्शन इसमें दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। मैं आपको परसेंटेज के नियम से सॉल्व करा रहा हूँ। सबसे पहले परसेंटेज का नियम क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं मान लो ये कोई आयत है, अगर ये कोई आयत, तो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था परसेंटेज में, अगर ये वाली जो भी आयत है इसकी ये बीमा मैं काट के छोटी कर दूं, ये वाली बीमा मैंने काट के क्या कर दी, कुछ छोटी कर दी, तो छोटी कर दिया, और ये वाली बीमा भी मैंने काट के क्या कर दिया, कुछ छोटी कर दी। तो पहले से आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, घट गया कि बढ़ गया। तो पहले देखिए आयत का क्षेत्रफल इतना था, जब ये वाली काट के मैंने छोटी कर दिया और ये वाली भी काट के छोटी कर दी, तो पहले से आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, घट गया। तो कह सकते घट गया कि नहीं घट गया। तो इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था आपको, अगर इसका नाम देना चाहते ए दे दिया और इसका नाम बी दे दिया, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको ये बताया था इसके क्षेत्रफल में कमी होगी, जाहिर सी बात है। तो प्रतिशत कमी बराबर आपका होता क्या, मैंने क्या बताया था आपको वहां पे, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, यही तो मैंने आपको बताया था। तो करने क्या, यहाँ पे भी जो 10% और 20% की क्रमिक क्या कर रहे हैं, बट्टे मीन्स क्या कर रही है, अगर ये छूट दे रहे हैं तो छूट दे रहे हैं, तो कह सकते एक तरह से इनको क्या है, कमी हो रही है, ठीक है। तो करने के इस पे रख के सॉल्व कर लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि ये दोनों छोटे मिला करके किस एक छोट के बराबर है, आपको इसमें पता चल जाएगा। तो यहां से करते हैं, इस पे रख के सॉल्व करते हैं। तो प्रतिशत कमी या छूट लिख सकते हैं, प्रतिशत छूट आप लिख सकते हैं, ठीक है, प्रतिशत छूट या समतुल्य बट्टा भी आप लिख सकते हैं। अब यहां से ए का मान इतना है और बी का मान इतना है, तो करने के इस पे रख के सॉल्व करिए, तो 10 + 20 हो जाएगा, माइनस 10 × 20 और पूरे का बटा कितना हो जाएगा, 100। यहां से ये 00 से 00 कट गया, ये जब इसको गुणा करें तो यहां से कितना मिल गया, 2 मिल गया। अर्थात इस पूरे को सॉल्व करेंगे इसका मान कितना मिलेगा आपको, 2 मिल जाएगा। अब यहां से 10 + 20 कितना हो गया, 30 हो गया। तो करने के 30 में से कितना घटाना आपको, माइनस साइन है, तो 30 में से 2 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 28%। अर्थात कह सकते हैं कि ये दोनों बट्टे मिलाकर में से 10% और 20% दोनों जो छोटे मिलाकर के किस छूट के बराबर है, तो 28% के छूट के बराबर है, इसके समतुल्य बट्टे के बराबर है। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, ए के पास बी से 20% अधिक धन है। इसमें ये कहा गया ए के पास बी से क्या 20% अधिक धन है और सी के पास बी से क्या 20% कम धन है। तो पूछा कि ए के पास बी से कितना प्रतिशत अधिक धन है, आपको इसमें ये बताना। ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है, इसमें आपको यही बताना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी सी डी लिख लेते हैं, जो भी दिया है। इसमें ए दिया है क्या, कहा ए के पास जो भी पैसे है वो क्या 20 से 20% अधिक है, ये ए हो गया। फिर क्या कहा, सी के पास बी से 20% कम है, हम लोग लास्ट में सी मान ले। कंपेयर किससे कर रहे हैं लोग, कंपेयर हमेशा देखिए बी वाले से कर रहे हैं, ठीक है। तो ए के पास बी से कितना 20% अधिक है, कहने का मतलब कि जो भी बी के पास धन होगा इससे ये क्या ए वाले के पास क्या 20% अधिक है। फिर अगली लाइन में क्या कहा गया, सी के पास बी से कितना 20% कम है। तो हम लोग मानेंगे किसको, हम लोग मान ले माना कि जो भी बी के पास धन होंगे इसके पास कितना होगा 100 रुपया। अब पहली लाइन में देखिए क्या कहा गया, ए के पास क्या 20 से 20% अधिक है, तो इसके पास जितना है, ए के पास तो 100 रुपए है ही, प्लस इसके धन का 20% अधिक है, तो इसके धन का 20% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये ना। तो कह सकते 120 रुपए। यहाँ लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यहाँ से क्या कहे, ए के पास 20 से 20% अधिक है, इसके धन का करिए डायरेक्ट 120% निकाल लीजिए तो कितना जाएगा यहाँ से 120 रुपए। इसके पास कितने रुपए, 120 रुपए। अगली लाइन से क्या कहा गया, सी के पास 20 से 20% कम हो जाएगा, यही ना। तो बी के पास इतना है तो इससे 20% क्या कम सी के पास है, इसका 20% कम निकालेंगे तो बचा कितना 80, कह सकते इसके पास कितना 80। अब करने की यहां से इनके बीच में क्या करिए, रेशियो लगा दिए। अगर रेशियो लगा देंगे तो यहां से देखिए सब कट जाएंगे, तो काट के छोटा के लिए 20 से ये भी कटेगा, 20 से ये भी कटेगा, 20 से ये भी कटेगा, तो 20 जगह 120 हो जाएगा और 20 25 100 हो जाएगा और 20 को 80।
क्या इसके बाद किसी एक संख्या से ये कटेंगे क्या? नहीं कटेंगे, आपको करना है कि इसको इसी तरह से छोड़। लेकिन क्वेश्चन में चलते हैं, क्या कहा गया? ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है आपको ये बताना है। कहने का मतलब ये कि जो ए का धन है वो सी वाले से कितना अधिक है आपको ये बताना। अगर यहां से देखा जाए तो रुपए में कितना अधिक है, तो मैं देख रहा हूँ 2 रुपए अधिक है। कितना अधिक है? 2 रुपए अधिक है। लेकिन आपको इसे रुपए में ना बता करके क्या करना है, आपको प्रतिशत में बताना है। अगर रुपए में पूछता तो कहते कितना रुपए अधिक है, 2 रुपए अधिक है। सी के पास पी वाले सॉरी ए के पास क्या है, जो भी धन है सी वाले से कितना है, 2 रुपए अधिक है। लेकिन इस अधिक को आपको क्या करना है, प्रतिशत में बताना है। तो किससे पूछा है प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए, किससे पूछा है, किसके धन से? सी वाले से पूछा है। तो सी वाले से क्या कर, इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर ले, आप क्या आ जाएगा आंसर है। तो यहां से काटे कितना हो जाइए 50%। अर्थात कह सकते हैं कि जो ए के पास धन है वो सी से कितना अधिक है, कह सकते हैं 50% अधिक है। तो देखिए कौन सा इसका मैच करा 50%, तो पहला ऑप्शन इसका मैच करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया? ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 4 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे आपको ये बताना है। और ये क्वेश्चन देखिए एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 2-3 लाइन लिखी है इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं मान लू कोई कार्य मीन्स एनी वर्क, अगर ये कोई कार्य, ये कार्य मैं किससे कराऊं, ए से कराऊं, तो ए से कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 5 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। अगर यही काम मैं किससे कराऊं, बी से कराऊं, तो बी से कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये बी से 4 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे आपको ये बताना है। कहने का मतलब ये कि अगर दोनों मिलकर एक साथ काम करें तब ये कार्य कितने दिन समाप्त होगा आपको इसमें यही बताना है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे जो 2-3 लाइन लिखे थे इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आप इस तरह से लिखेंगे नहीं, आपको करने के डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे जो ए है उस कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 5 दिन में करने के लिए कह रहा है। और जो बी है उसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रही है, उसी कार्य को 4 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो करने के इसका और इसका एलसीएम लिए, 5 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। जैसा आप एलसीएम लेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, टोटल कार्य पता चलेगा कि कार्य टोटल कितना है। एलसीएम लेने के बाद अब करने के इससे इसमें भाग देंगे, अगर इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 चौक को 20। इससे भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 5 20। ऐसा करने के बाद हमको ये मिल जाता है कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। तो पूछा कि दोनों मिलकर ना, अगर मैं दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे लोग, 9 काम करेंगे। करना कितना है, इतना काम करना है। इससे भाग दे दीजिए आपको क्या जाएगा आंसर आएगा। तो यहां से भाग दे, 9 दुना 18 हो गया और बचा कितना आपका 2। 2 में 9 से भाग जाएगी नहीं, आपको करना कि इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए, आपका एक आंसर। अर्थात कह सकते हैं कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समाप्त कर लेंगे, 2 सही 2/9 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो भी आपसे इसका मैच कर रहा है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का है, और टाइम एंड वर्क मैंने आपको पढ़ा दिया है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया, जिसको मैंने 4 पार्ट में करके पढ़ाया। उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, तो जिन लोगों ने सभी वीडियो को नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से पूरा डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है? पी और क्यू क्रमशः 12 और 12 दिनों में एक परियोजना पूरा कर सकते हैं। मतलब कोई कार्य रहा होगा, अगर पी से कराए तो भी 12 दिन में करेगा, क्यू से कराए तो वो भी कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। तो अगली लाइन में क्या कहा गया, कितने दिनों में वे परियोजना का 50% भाग पूरा करेंगे आपको ये बताना, यदि वो क्या करें एक साथ काम करें। इस क्वेश्चन में ये कहा गया कितने दिनों में वे परियोजना का 50% भाग काम पूरा करेंगे आप इसमें ये बताना, लेकिन कंडीशन है कि दोनों क्या करें एक साथ काम करें। तो यहां से क्वेश्चन अगर समझना चाहते हैं फिगर द्वारा, तो मैं आपको यहां से फिगर द्वारा समझा दे रहा हूं। यहां से अगर मैं मान लो कोई कार्य, अगर ये काम मैं किससे कराऊं, पी से कराऊं, तो पी से कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 12 दिन में करने के लिए कह रहा है। अगर यही काम क्यू से कराऊं तो क्यू बी से कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 12 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो आपसे ये पूछा गया है कितने दिनों में परियोजना का 50% भाग, मीन्स इसका क्या आधा काम, यही ना, इसका क्या आधा काम, आधा ये हमारा मालिक ऐसा काम, ठीक है, आधा काम अगर एक साथ काम करें तो ये कितने दिन में करेंगे आपको इसमें यही बताना।
सेम ऊपर वाला प्रोसेस है, आपको करना नहीं ये फिगर उगर बनाना नहीं, आप डायरेक्ट सॉल्व करिए। यहां से करना कि जो पी है कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 12 दिन में करने के लिए कह रहा है। अब नीचे क्यू, क्यू उसे कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 12 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो करना क्या, इन दोनों का एलसीएम ले, इसका 12 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। जैसे आप एलसीएम लेंगे आपको ये क्या पता चले, टोटल कार्य, यानी टोटल कार्य कितना है, इसके अंदर टोटल कार्य कितना है, 12 आपको पता चल गया। एलसीएम लेने के बाद हम करते क्या, इससे इसमें भाग देंगे, अगर इससे भाग देंगे तो भाग कितनी बढ़ जाएगी, 12 × 12, इससे भाग देंगे तो 12 × 12। तो पूछा क्या, 50% मिस परियोजना जो भी होगा इसका 50% कार्य आपसे करना है, तो टोटल 12 काम है, अगर 50% पूछा है तो 50% का मतलब कितना, इसका आधा, यही तो हुआ इसका आधा काम, आधा काम यानी 6 काम हुआ, यानी 6 काम। अब 6 काम क्या करें, अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो इसे कितने दिन करेंगे, आपको यही बताना है। तो यहां से अगर दोनों के कार्य मिला दिए जाए तो दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक दिन कितना, 2 काम करेंगे, तो करना कितना है, 6 काम करना, इससे भाग दे दीजिए आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, तो 2 × 3 = 6। अर्थात कह सकते हैं कि दोनों मिलकर परियोजना का 50% भाग कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, 3 दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। इसमें करना क्या, आपको पी लिखेंगे क्यू लिखेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जो भी एलसीएम लेंगे ये टोटल आपका कार्य आ गया, 50% भाग पूछा है तो 50% मिलकर इसका आधा हो जाएगा। अब यहां से इन दोनों को जोड़िए, इसमें भाग दिए, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, यदि 12 लीटर घोल में 5% नमक है वाष्प द्वारा वाष्पित करके इसमें से 8 लीटर पानी वाष्प स्मित क्या उड़ा दिया गया, गर्म करके करके उड़ा दिया गया, तो शेष घोल में नमक की मात्रा कितनी है, आपको इसमें यही बताना है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है मैं आपको फिगर द्वारा समझा रहा हूँ। अगर मैं मान लू ये कोई घोल है, इस घोल में क्या आपका पानी है, पानी प्लस क्या है आपका नमक है, पानी प्लस नमक है, और घोल आपका कितना ही है, 12 लीटर घोल इसमें। अब हुआ क्या, अगर इसको गर्म करके इसे इतना गर्म किया गया जब तक इसमें से क्या हो जाए, 8 लीटर पानी वाष्प द्वारा वाष्पित न हो जाए, गर्म होकर क्या भाप द्वारा उड़ न जाए, तब तक इसमें गर्म किया गया। अगर इसमें से 8 लीटर पानी वाष्प द्वारा वाष्पित हो गया तो जो शेष घोल बचा, शेष घोल बचा कितना आपका, अगर 12 लीटर टोटल है इसमें से 8 लीटर पानी वाष्प द्वारा वाष्पित कर दिया गया तो शेष घोल बचा कितना आपका, 4 लीटर बचा। तो जो भी शेष घोल बच गया आपका 4 लीटर, तो पूछा क्या आपसे 4 लीटर में यानी शेष घोल में नमक की मात्रा कितनी होगी, आपको यही बताना है, शेष घोल में नमक की मात्रा कितनी आपको इसमें यही बताना है। इस क्वेश्चन को करने के आपको सिर्फ देखे इसका डायरेक्ट सॉल्व करना है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, लेकिन आप इस तरह से नहीं करेंगे, आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। यहां से देखिए कहा कि 12 लीटर में कितना परसेंट नमक है, 5% नमक है, तो यहां से करना कि 12 × 5% कर लेंगे। अगर इसमें से 8 लीटर गर्म करके क्या पानी वाष्प द्वारा वाष्पित कर दिए तो शेष घोल बचा कितना आपका, 4 लीटर बचा। तो ये बताना है कि 4 लीटर में नमक की मात्रा कितनी, आपको ये बताना है। अगर हम लोग मान लें शेष घोल में नमक की मात्रा कितनी, x%, यहां से ये बराबर जाए तो परसेंट से परसेंट यहां से कट गया, अगर मैं इसको यहां से काट दूं तो कितना हो जाए, 4 × 12, इसका कैलकुलेशन कर लिए तो एक्स से बराबर कितना आ गया, 15% आ गया। अर्थात कह सकते हैं कि शेष घोल में नमक की मात्रा कितनी हो जाएगी, 15% हो जाएगी। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो उसी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा।